आप अगर चाहते हो कि भाई इस बाइक से आप थोड़ा बहुत टूरिंग करो, थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड करो, तो एक और चीज़ है जो कि मुझे मतलब उतना खास नहीं लगा, जो कि वो भाई ऑफ रोडिंग भाई, लेकिन भाई मुझे थोड़ा हार्ड लगा। ठीक है, हेलो गाइस, कैसे हो? सर के सर फिर से हाजिर है तुम्हारा सरफिया लौंडा। और गाइस, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि FZ V3 का मतलब राइड रिव्यू आने वाला है, मतलब नेक्स्ट वीडियो, तो देख सकते हो आ चुका है, शाम हो चुका है, क्योंकि भाई मैंने वीडियो शूट कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, इसके मतलब वो देखो बाइक खड़ा हुआ है, मैंने वीडियो शूट ऑलरेडी कर लिया था, पर वहाँ से जब हम निकल रहे थे तब उतना टाइम नहीं मिला और अच्छा लोकेशन नहीं मिला, क्योंकि भाई बाज़ार मतलब बाज़ार में था हमारे वहाँ, तो थोड़ा बहुत भीड़ था, तो इसीलिए मैं वहाँ उधर नहीं कर पाया और इंट्रो में लास्ट में शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज देखो वीडियो, ठीक है, और बताना कैसा हुआ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो करना है, ठीक है, क्योंकि भाई आगे तो बढ़ना है हमें आप लोगों के साथ। चलो वीडियो देखो। ठीक है, हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं फिर से FZ V3 में, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका राइड रिव्यू आएगा, तो गाइस ये रहा राइड रिव्यू। आपको सिंगल बार हैंडल मिल जाता है तो इसलिए बहुत बढ़िया। अभी मैं निकल चुका हूँ इसको चलाते हुए, लगभग मुझे आधा घंटे से भी ऊपर हो गया, और इसके पहले भी बहुत बार चलाया है मैंने, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छा ही बुरा ही जो भी ये करने वाला है वो मैं मतलब मुझे जैसा लगेगा मैं वैसे ही बताऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इसका बुराई कर रहा हूँ या फिर उसको बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ, मुझे जैसा लग रहा है मैं वैसे ही बताऊँगा। ओ भाई साहब, देख रहे हो, देखो भाई हेलीकॉप्टर बना, तो मुझे जैसा लगेगा मैं वैसे ही बताऊंगा। ठीक है, तो चलो इसका एक एक पॉइंट में बात करते हैं और देखते हैं। तो भाई इसका पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा भाई, कंफर्ट। भाई इतना ज़्यादा कंफर्टेबली बाइक, मतलब कंफर्टेबल बाइक है ये, मैं मतलब नहीं बता सकता। ठीक है, तो कंफर्टेबल कंफर्ट के मामले में ये एकदम मतलब फाड़ू है, एकदम बोल सकते हो फाड़ू, क्योंकि भाई इसका सीट जो है वो बहुत चौड़ी है, तो उसको चौड़े सीट की मैं आपको बात कर बैठ के इतना मतलब बोल सकते हो सोफा में बैठे हो आप, अगर छोटा मोटा राइड कर रहे हो या फिर कुछ बड़ा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे जैसा लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा ही तो लगता है, और अभी भी मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया, मतलब मैं लग रहा है कि मैं सोफा में बैठा हूँ। ठीक है, और कम्फर्टेबल के मामले में बाइक बहुत बढ़िया, मतलब गजब ही है, एकदम गजब पूरा। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था कंफर्ट के मामले में भाई बहुत बढ़िया है बाइक। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर फुट रेस्ट रखने की जगह, मतलब उसके लिए और भी कंफर्टेबल हो जाता है ये बाइक। तो भाई सामने ब्रिज है, मतलब बोल सकते हो बांस का ब्रिज, जो कि पार करके हम मिलते हैं आपसे। ये जरूर है, हाँ पानी नहीं है। ओ भाई ओ भाई ऑफ रोडिंग भाई, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऑफ रोड हो गया, देख सकते हो आप, ऑफ रोड में भी मतलब इसमें भी यार कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठा हुआ मैं, मतलब कंफर्टेबल इतना ज़्यादा है इस बाइक में मैं बता नहीं सकता आपको, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। तो देखा आप लोगों ने भाई, थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप था, देखे हो आप, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत कुछ इतना ज़्यादा की कुछ दिक्कत कुछ भी नहीं हुआ, पर मैं बैठा था कोई दिक्कत नहीं है भाई, सस्पेंशन बहुत बढ़िया है इसका। तो पहला पॉइंट तो ये गया भाई, कंफर्टेबल भाई ज़बरदस्त कंफर्टेबल है ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट गाइज थोड़ी आगे जाके बात करते हैं, अभी यहाँ पे अंधेरा मिलेगा। तो गाइज अभी हम खाली रास्ते पे आ चुके हैं,
ठीक है। तो भाई फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बता दिया वही, तो चलो सेकंड पॉइंट बताते हैं। सेकंड पॉइंट भाई इसका हैंडल देख सकते हो आप, हैंडल भाई सिंगल हैंडल बार मिल जाता है आपको भाई। कंफर्टेबली बैठा हुआ मैं, देख सकते हो आप, मतलब थोड़ा कैमरा पीछे करूँ तो ये देखो एकदम कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, देखो आराम से बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हैंडलिंग देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिधर जैसा करूँ उधर ऐसे रहता है भाई। हैंडलिंग भी बढ़िया लगा मुझे भाई। एक और चीज़ है जो कि मुझे मतलब उतना खास नहीं लगा, जो कि मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही ख़राब बोल रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे चीज़ थोड़ा मतलब अच्छा हो सकता था ऐसा लगा, या फिर इस गाड़ी का ही प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं, ठीक है। तो मैं वो जो कि वो लास्ट में बताऊँगा। तो इसका भाई हैंडलिंग बढ़िया लगा मुझे भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं भाई, अभी तो थोड़ा खाली रोड मिलेगा सामने, ठीक है। तो अभी बात करते हैं भाई इंजन की। भाई इंजन रिफाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा है इसमें, बहुत ही ज़्यादा, कोई झटका नहीं कुछ नहीं भाई, आराम से जाओ। मतलब यामा का तो मुझे पता ही है कि भाई वो जो R15 का रिफाइनमेंट भी सही है, R15M चलाया मैंने वो भी सही है। मतलब बजाज से कंपेयर करूँ आर एस या एन एस वगैरह से भाई बहुत कंफर्टेबल है इसका, और रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्मूथली रन करता है इसका इंजन तो। और देख सकते हो आप, मैं चला रहा हूँ अभी टॉप गियर पे भाई, 43 और 4000 RPM के आसपास चल रहा है आराम से। कोई आवाज़ आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, शायद आपका हवा का आवाज़ मिलेगा, क्योंकि भाई माइक मेरा छूट गया घर पे ही, तो मतलब कनेक्टेड छूट गया, तो इसीलिए। चलो तो इसका पावर आपको दिखाते हैं, चलो पहला गियर डालते हैं इसमें। हाँ पहला गियर आ चुका है, चलो फर्स्ट गियर में कितना जाते हैं देखते हैं। सेकेंड 62 भाई थर्ड नहीं चेक करूँगा अभी, यहाँ रोड उतना खास नहीं है। 62 गया था सेकेंड में, फिर कितना RPM 9000 या लगभग 9000 नहीं 8000 RPM पे शायद, तो भाई 8000 RPM पे लगभग गया था, कितना 62 भाई एकदम। हाँ वाइब्रेशन फील होता है जब 7000 या 6.5 से 7 पर जब क्रॉस करता है तब आपको वाइब्रेशन फील होगा, थोड़ा बहुत होगा भाई, वो तो कोई मतलब उतना बड़ा इशू नहीं है भाई। पावर डिलीवरी करेगा तो वाइब्रेशन तो होगा ही, ठीक है। तो भाई इंजन रिफाइनमेंट के मामले में भाई बहुत बढ़िया है। सेकेंड गियर में भाई 62 जा रहा था, थर्ड गियर में इसी रास्ते पर चेक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई रात होने को आई है, मतलब अंधेरा होने को आई है, ठीक है। कभी अगर आप लोग चाहोगे तो बताना, मैं कभी किसी और दिन दिखा दूंगा इसका टॉप स्पीड या फिर हाईवे जब जाएंगे तब, ठीक है। तो भाई इंजन की बात हो गई भाई, पावर भी बहुत बढ़िया है मतलब। तो अभी बात करते हैं भाई इसकी लाइट, भाई अंधेरा होने को आई है सामने की तरफ देखो। तो यही कुछ था, और भाई बहुत बढ़िया। आप अगर चाहते हो कि भाई इस बाइक से आप थोड़ा बहुत टूरिंग करो, थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड करो, तो ठीक है, मतलब आप ले सकते हो इसका जो मतलब इसी रेंज में आता है, तो 160 NS का है, और जो कि है V4 TVS का, सॉरी 160 V2 या कुछ नाम है TVS का एक आता है वो वाला, मतलब वो मैंने अभी तक चलाया नहीं वो TVS वाला। देखो भाई हैंडलिंग भाई बहुत बढ़िया, लेकिन भाई थोड़ा मतलब बल्की बाइक है, और जो कि है हाइट में अभी चला रहा हूँ तो बता नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाइट है 5'8" के आसपास, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, इवन 5'4" जो कि बंदा है 5'4" भी अच्छे से हैंडल कर लेगा, ठीक है। 5'4" के आसपास वो हैंडल कर लेगा, क्योंकि बड़ी बाइक लगता ही है। तो यही सब कुछ था आज का वीडियो, मतलब आज का रिव्यू मेरा, मतलब। सो गाइज, मैंने वीडियो में एक चीज़ बताया था कि मुझे एक दिक्कत लग रहा है, तो वीडियो के एंड में बताऊंगा मैंने बोला था, फिर मैंने वीडियो एडिटिंग के टाइम पता लग रहा है कि मैंने कुछ बताया नहीं, तो चले ऐसे ही बता देते हैं। मुझे उस बाइक में मतलब FZ में दिक्कत ये लगा कि भाई गियर शिफ्टिंग जो है बहुत ही हार्ड है, मतलब वैसे नॉर्मली जैसा स्मूथ होता है वैसा नहीं है भाई। क्या दिक्कत है क्या है पता नहीं, अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, लेकिन भाई मुझे थोड़ा हार्ड लगा, ठीक है।
उस बाइक में ही है या फिर क्या है मुझे पता नहीं भाई। FZ का मैंने और भी बाइक चलाया लेकिन ठीक ठाक है। हाँ तो इसका जिस वाला मैंने चलाया, जो वाला मैंने चलाया उसका बहुत ही हार्ड था, ठीक है। तो ये क्या दिक्कत है मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और इससे पहले मैंने चलाया FZ, बहुत चलाया लेकिन भाई ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि बहुत हार्ड है। बस यही वाला बाइक मुझे फील हुआ कि भाई हार्ड है वो। तो वीडियो कैसा लगा बताना भाई, अच्छा लगे तो बता, तू बता। सेल्फी ले रहा है बंदा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब कौन कौन बोलेगा, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है गाइस। और इस भाई का बाइक है और ये देखो, और चलो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और भाई ने बोला है, ठीक है, लाइक कर देना है। चलो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म गया, चलो।